67 वी जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम ब्लॉक सीमलवाड़ा के रेस्पॉन्सिबल पब्लिक विद्यालय उमावी में समापन कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि SDM विमलेंद्र सिंह राणावत, अध्यक्ष लक्ष्मण कुमार दामोर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमलवाड़ा, विशिष्ट अतिथि कन्हैयालाल पंचाल, अजित जैन, नागेंद्र सिंह, पंकज कुमार, मुकेश पंड्या थे। स्वागत उद्बोधन रिस्पॉन्सिबल के संस्था प्रधान विष्णु प्रसाद पाटीदार ने दिया। अतिथियों का पगड़ी माला तिलक से स्वागत किया। सरस्वती वंदना रिस्पॉन्सिबल विद्यालय की बालिकाओं ने प्रस्तुत किया। निदेशक पंकज पंचाल ने विभिन्न एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वहीं मुख्य निर्णायक कांतिलाल रोत ने प्रतियोगिता का परिणाम प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि SDM विमलेंद्र सिंह राणावत ने कहा कि देश दुनिया में विभिन्न खेलों में भारत का दबदबा शुरू हो गया है। वर्ल्ड ओलंपिक हो या अन्य कोई चैंपियनशिप, जिसमें भारत ने हर खेल में अपनी प्रतिभा बताई है। ग्रामीण अंचल क्षेत्र में छुपी प्रतिभाओं को आगे लाने सरकार कटिबद्ध है, जिसमें ओलंपिक में कई प्रतिभाओं ने बाजी मारी है। खेल से जीवन में अनुशासन, स्वस्थ जीवन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षक सोमेश्वर दिंदौर, रमेश चंद्र पाटीदार, बद्री प्रसाद मीना, रमिला मीना, हसबुला परमार, जीवराम रोत, दयाराम रोत, सविता कटारा, अल्पेश पटेल, गीता पटेल, अरविंद दामोर भूरालाल ने सहयोग प्रदान किया। वही पंजीकरण व प्रमाण पत्र में इकबाल हुसैन, मोहनलाल दामोर, बलवंत सिंह दामोर, मुकेश कोठारी, राकेश कुमार जैन, जितेंद्र पाटीदार, चंद्र नारायण, पुष्पराज जैन, मिलिन पाटीदार, विनोद दामोर, सुरेश पंचाल, सुरेश दामोर, ब्रिजेंद्र सिंह, राजेश दामोर, कुश भट्ट, हिमांद्री त्रिवेदी, हर्षवर्धन सिंह चौहान, जयदीप चौहान, गोपाल दामोर, दतेश मेहता, रोहित पाटीदार, दिनेश लबाना ने सहयोग प्रदान किया। वही रेस्पॉन्सिबल विद्यालय के समस्त स्टाफ शिक्षक शिक्षिकाओं ने सभी संपूर्ण सहयोग किया। एथलेटिक्स में चैंपियन टीम रावमावी सुंदरपुर छात्रा वर्ग, बालक वर्ग में द स्टडी आसपुर चैंपियन रही, उन्हें ट्रॉफी से नवाजा गया। मतदान करने दिलाई शपथ, राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत रिटर्निंग ऑफिसर विमलेंद्र सिंह राणावत के निर्देशन में स्वीप प्रभारी दिलीप सिंह चौहान द्वारा आगामी माह 25 नवम्बर को होने वाले मतदान में सक्रियता दिखाते हुए सभी को शपथ दिलाई। कार्यक्रम संचालन लक्ष्मण दिंदौर ने किया, वही आभार मोहनलाल दामोर ने किया। आती है तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व विकास के दृष्टिकोण से खेल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे भारतवर्ष में खेलों का अगर ऐतिहासिक अवलोकन करें तो वैदिक सांस्कृतिक काल से या हड़प्पा काल से खेलों के महत्व को रेखांकित किया गया। लेकिन हमारा जब देश आजाद हुआ 1947 के बाद तो हमारी ओलंपिक और एशियाड में हमारी स्थिति कंपैरेटिवली बहुत ही सोचनीय थी, क्योंकि चूंकि हमारा ब्रिटिश काल में या और जो दौर था उस समय हमारे जो आधारभूत संरचना हमारे खेलों के विकसित होने के लिए वह हो नहीं पाई। तो शुरुआत में हमारे ओलंपिक में हमारी टीमें जाती थी या एशियाड में हमारी टीमें जाती थी तो मुश्किल से 1-2-4 पदक लेके आती थी। ओलंपिक में तो मुश्किल से एक पदक बड़ी मुश्किल से मिलता था, एशियाड में 5-7 पदक मिलते थे। अगर आप देखें और वहां भारतवर्ष के खिलाड़ियों ने लगभग 600 से अधिक हमारी टीम गई थी और 107 मेडल जीत के आए, बहुत ही बड़े हर्ष की बात है। तो ये जो चीज है, आप अगर पिछले 70 वर्षों का अगर हमारे भारत का विकास और खेलों के विकास की अगर इनकी स्थिति देखे तो निश्चित रूप से विकासशील और विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ एक पद सोपान है।